स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे ये ओवरलॉक कैसे करते हैं। ये हमने एक सूट पे ओवरलॉक करके रख रखा है, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। ये कुर्ती पे है, यहाँ पे ओवरलॉक नहीं किया लास्ट में, क्योंकि यहाँ कट मार देते हैं फिटिंग करने के लिए, ताकि सही से बैठता है ड्रेस। और ये वी गला कैसे कटिंग करते हैं और ये स्लीव्स कैसे कटिंग करते हैं, ये भी हमारे चैनल पे वीडियो, तो आप वो भी देख सकते हो। अभी हम ओवरलॉक करना दिखाएंगे कि आपको, और ये ओवरलॉक करना बहुत कंपलसरी जरूरी रहता है, क्योंकि ये धागे निकलते हैं ओवरलॉक करने से, अच्छी इसकी कुर्ती की लाइफ हो जाती है। और ये लाइनिंग वाला कुर्ता है, इसको दिखा रहे हैं अभी आपको। और तो ओवरलॉक कैसे करते हैं, ये काली वाला ये घाघरा है, जो उसको मतलब गुजराती में इसको चनिया चोली भी बोलते हैं, तो चनिया है। तो इसको अभी हमने ये देखिए कली कट कर रखे हैं, ये 24-25 कली, इसको सबको ओवरलॉक करना है। तो अभी हमने ये कुछ कली को ओवरलॉक करके रखा है, ये देखिए आप कितना सही है। और इसकी भी वीडियो है कि ये कैसे कटिंग करते हैं कली की, इसकी भी वीडियो है। ओवरलॉक करके भी दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। ऐसी एक लाइन से यहाँ से कपड़ा लगाना रहता है, ये पॉइंट से कपड़े जो पॉइंट दिख रहा है, ये देखिए पॉइंट जो दिख रहा है, ये पॉइंट से कपड़े को मतलब अंदर साइड ज्यादा नहीं लेना और बाहर साइड ले लेना। और अगर आपको नहीं आता तो आप स्लोली स्लोली स्टार्ट कर सकते हो, ये देखिए धीरे धीरे। ये हमारे मशीन पे मोटर लगी हुई है, अगर आपके पास ये मोटर नहीं तो आप पैरदान से भी कर सकते हो, ये देखिए ऐसे करेंगे। ये कली में ओवरलॉक करना जरूरी रहता है, क्योंकि ये धागे देखिए देख रहे हो आप, ये धागे निकल जाएंगे तो ये ड्रेस खराब हो जाता है या कुछ भी रहेगा। तो अगर आपके पास ओवरलॉक नहीं तो आप ओवरलॉक जरूर लें, क्योंकि सिलाई में बहुत ही जरूरी मशीन होती है ये। तो ऐसे ही हम सभी कली को ओवरलॉक करके रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये ओवरलॉक मशीन बहुत जरूरी रहती है सिलाई के लिए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी हम वीडियो बनाते रहते हैं और आपको सिखाते रहते हैं। तो देखते रहें और सीखते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।